हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो होगी इस बल्ब, जो ये ख़राब बल्ब है। फ्रेंड्स, आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे एलईडी बल्ब होंगे जो ख़राब होंगे। तो फ्रेंड्स, इस बल्ब की हालत बहुत ही ख़राब हो रखी है। आपको दिख रहा होगा अंदर पूरा मैल जम गया है, पता नहीं कहाँ, कितने सालों से कहाँ पड़ा था पता नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा बोर्ड आ गया और इसको चेक भी कर लेते हैं फटाक दिन से। तो फ्रेंड्स, ये जल नहीं रहा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको पहले इसको सही करने के लिए ये मात्र आपको 20 रुपये में आपके जो एलईडी बल्ब है सही हो जाएगा। तो इसकी जो कीमत है वो मात्र 20 रुपये है उसकी, और आपको इसके साथ अन्य कोई भी सर्किट की कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। ये 9 वॉट का है, 20 रुपये में आपको 9 वॉट का बल्ब बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से सही हो जाएगा। इसको खोल के देखा तो फ्रेंड्स, देखा जो इसका जो एक बैटरी टाइप होता है तो फ्रेंड्स वो पूरा ब्लास्ट हो गया है उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम शायद कैपेसिटर इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका तो पूरा फट गया, ब्लास्ट ही हो गया पूरा। अब इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो ये पूरा सर्किट है इसे पूरा खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो हम इसको पूरे सर्किट को काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में फ्रेंड, उसकी ज़रूरत होगी क्योंकि ये छोटा है और वो बड़ा है, वो पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। हमें जो इसके अंदर की दो वायरें हैं उसको हम हल्का सा काट लेते हैं इसको भी, ताकि बाद में हमें जो इसके अंदर की सोल्डिंग भी ना करनी पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हमने सोल्डिंग कर दी, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर से हमें दो वायरें निकालनी है और हमें उस दोनों वायरों के साथ वो जो होल्डर है उसको कनेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं करना। और इसके साथ ही हमें, आपको दिख रहा होगा ये टूट भी गया इसके साथ साथ। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, मैं दोबारा सोल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने दोबारा सोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। और इसके नीचे ना हमें इसके हीट सिंक देनी है, ताकि ये फ्रेंड्स ये गर्म नहीं होता, फिर भी अगर ये गर्म होता हो तो हमें सेफ्टी के लिए मैं इसके जो नीचे हीट सिंक लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये है वो हीट सिंक, ताकि जो ये जो हमारा बल्ब है ये और दिनों तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं हीट सिंक लगा रहा हूँ। आपको फ्रेंड्स किसी भी दुकान पर ये हीट सिंक मिल जाएगी बड़े ही कम दामों में, 10 रुपये का शायद होता है ये, इससे महंगा तो होगा भी नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बल्ब लग चुका है इसके अंदर और हमें इसके साथ इसको कनेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ इसको अच्छी तरह से इसको मैंने लगा लिया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से टेप से बाइंडिंग कर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारे जो वायर है ये आपस में चिपके ना। ठीक है, मैंने दोनों वायरों में मैंने लगा दिया है, ऐसा आपको दिख रहा होगा पूरा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, बस हमें इसके अंदर इसको फिट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये भी हमारा कंप्लीट है। अब एक बार इसको ना जला के एक बार टेस्ट कर लेते हैं क्या ये पूरा सारे सर्किट ठीक से लगे हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको चलाने के लिए मैं अपना बोर्ड ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड आ गया दोबारा से, तो इसको लगाते हैं। बोर्ड में भी करंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑन किया और ये फ्रेंड्स पूरा चालू हो गया, मतलब कोई भी हमारी कुछ तो गलती हुई नहीं है इसमें, कोई भी गलती नहीं हुई और अच्छी खासा चल रहा है ये बल्ब। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नया जैसा बिल्कुल रोशनी दे रहा भी है। तो फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है हमें, अब हमें सफाई करनी है फ्रेंड्स इस बल्ब की। ये बहुत ही गंदा दिख रहा होगा आपको ये चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, आपको दिख रहा होगा ये हीट भी नहीं हो रहा फ्रेंड्स, बताइए क्योंकि ये हीट भी नहीं हो रहा। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा दिन चल इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाते हैं और हीट से इसका जो कैपेसिटर है या फिर जो बल्ब है ये आपस में ये जल जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं बल्ब। तो फ्रेंड्स, इसका जो हीट नहीं हो रहा ये अच्छी बात है कि ये हीट नहीं हो रहा, और मैं इसकी ढंग से पूरी तरह अच्छी तरह सफाई कर देता हूँ फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी सफाई भी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब ये नया जैसा चमक रहा है बिल्कुल नए बल्ब की तरह, बिल्कुल अब ये नया बल्ब भी हो गया फ्रेंड्स। इसके अंदर का जो मटेरियल है वो भी नया डाल दिया और ऊपर का जो पूरा साफ सुथरा करके बिल्कुल धो धा के बिल्कुल नया कर दिया फ्रेंड्स मैंने इसको। अब इसको एक बार चला के एक बार ट्राई करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या ये चलेगा दोबारा से नया बिल्कुल, और फ्रेंड बिल्कुल नया जैसा बिल्कुल फील दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे फ्रेंड्स। मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा ऐसी। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।